रोज सुबह सबके घर में नाश्ते के समय एक ही प्रॉब्लम रहती है, क्या बनाएं, आज क्या खाएं, कुछ डिफरेंट। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ डिफरेंट, हेल्दी भी और टेस्टी भी। बिल्कुल एक चम्मच तेल के अंदर आप पूरे घर के लिए बहुत बढ़िया नाश्ता तैयार कर सकते हैं और सॉफ्ट इतना कि आपके घर में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद भी आने वाला है। साथ में आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, वो भी खा के खुश रहेंगे, हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किचन डायरीज। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बाउल में एक कप सूजी ली है, 1.5 कप के लगभग दही डाल दिया है, फ्रेश दही ले तो ज़्यादा अच्छा है, 1 चम्मच नमक और 2 कप के लगभग पानी डाल देंगे और हम इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे चलाते हुए अच्छी तरह फेंट लेंगे। ध्यान रखें पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले मैंने 1 कप पानी डाला है, ये मेरे पास 1/2 कप का नाप है तो 2 बार डाला है, दैट मीन्स 1 कप पानी। 1 कप पानी मैं इसके अंदर अभी आपको बाद में डालकर दिखाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा बैटर है और सूजी जो है वो अभी हम जब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो काफ़ी फूल भी जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पोहा भी मिला सकते हैं या चावल का आटा भी, लेकिन सूजी से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत हेल्दी भी रहेगा। सूजी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और काफ़ी देर तक हमें फीलिंग फुल की जो है फीलिंग दिलाती है। इसके अलावा सूजी में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और हम चाहते हैं कि बच्चों को कम ऑयल वाला और बहुत हेल्दी खाना खिलाएं, तो आप इस रेसिपी को नाश्ते के अंदर बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। इसकी खास बात क्या है कि आप इसे रात में तैयार करके रख सकते हैं और सुबह के समय इसको आप बच्चों को टिफिन के अंदर दे सकते हैं, फटाफट से बन जाने वाला है। देखिए इस तरह से इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। अभी हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे क्योंकि बाद में हमें पता चलेगा कि हमें इसके अंदर और पानी मिलाना है या नहीं मिलाना है। अब इतनी देर मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर केवल 1 चम्मच के लगभग ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन या देसी घी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों डाल देंगे और 1 चम्मच मैंने बारीक कुटा हुआ कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता या कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेवर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये चीज़ें अच्छी सेहत के लिए अच्छी हैं तो डाल देते हैं। 1 चम्मच बारीक काटा हुआ अदरक और 1 चम्मच ही मैंने बारीक काट के हरी मिर्च डाल दी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, पर बनने के बाद इसमें हरी मिर्च का कोई भी ज़्यादा तेज तीखापन नहीं रहेगा। 1 कप के लगभग मैंने बारीक काट के प्याज डाल दी है और 1 कप ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे। 1 कप मैंने इसके अंदर, 1 कप नहीं है ये तो केवल 2 चम्मच है, 2 चम्मच मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ लाल शिमला मिर्च पड़ा था वो भी डाल दिया। 1 कप मैंने इसके अंदर गाजर डाल दिए। सब्जी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसके अंदर स्वीट कॉर्न डाले आ सकते हैं, बीन्स डाले आ सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। थोड़ी सी पत्ता गोभी रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए और खूब सारा हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया डालने से टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ में देखने में भी सुंदर लगेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे, इसमें हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने, सिर्फ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए ताकि सारी चीज़ों को हम चलाते हुए 20 से 25 सेकंड तक अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लेंगे। और गैस को बंद करने के बाद मैंने इसके अंदर 150 ग्राम के लगभग पनीर जो है उसको ग्रेट करके डाल दिया है। इस पनीर की वजह से ये जो हमारी रोस्टीज बनेंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगी और काफ़ी देर तक ये इसी तरह सॉफ्ट बनी रहेंगी। बस अब हम इसे मिलाकर ठंडा होने देंगे। इतनी देर हमारे बैटर ने रेस्ट कर लिया है ये देखिए, और सूजी काफ़ी फूल गई है जिसकी वजह से बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी मुझे इसके अंदर और पानी मिलाना पड़ेगा लेकिन वो बाद में मिलाऊंगी। जो हमने सब्जियों को अच्छी तरह से एक बैटर बना के रखा है और उसको हम ठंडा करके वो इसके अंदर मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कि हमें इसके अंदर और ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत है या नहीं। आप चाहें तो इस समय इसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, पर हमने दही मिला दिया है तो हमें दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों से बच्चों को विटामिन और मिनरल मिल जाएंगे, पनीर से प्रोटीन और सूजी से कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से ये कम्प्लीट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। मुझे ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो मैंने इसके अंदर 1 कप के लगभग पानी और डाल दिया है, यानी टोटल मिलाकर हमको इसके अंदर 2.5 से 3 कप के लगभग 1 कप सूजी के साथ पानी मिलाना पड़ेगा। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। बस इस तरह से आप इतना बनाकर इसे ढककर फ्रिज में रात को ही रख दीजिए, सवेरे सिर्फ बनाने का काम रह जाएगा। सुबह सुबह इसके अंदर जब बनाना हो तब हमें इनो मिलाना है, ये कोई भी आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग पानी डाल के इसको अच्छी तरह से एक्टिवेट कर लिया। इनो डालते ही ये काफ़ी फ्लफी सा हो जाता है, इसी वजह से ये इतने सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इनो अगर हमें मिलाना है
तो जब बनाना स्टार्ट करेंगे उसी समय इनो मिक्स करना है, उससे पहले इनो मिक्स नहीं करना। इस बैटर को आप रात को ही तैयार करके रख दीजिए और सुबह सुबह जब बच्चों को टिफ़िन देने की जल्दी होती है उस तरह में आप ये बनाकर तैयार कर लीजिए। अब फ्राइंग पैन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के और इसके अंदर 2 लैड फुल हम बैटर डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। जब ये ऊपर से ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है तब हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। अगर आप इसे नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में बनाएंगे तो ये बहुत आराम से अपने आप ही उतर आएगा, बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्राइंग पैन में बना रहे हो तो हमें हल्का सा ग्रीस करना पड़ेगा ताकि ये चिपके ना, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये नॉन स्टिक होने के कारण आराम से उतर रहा है। एक बारी मैं इसको चला के देख लेती हूँ ताकि ये टूटे ना। इस तरह से चलाने से ये किनारे अपने आप ही छोड़ देगा। अभी देखिए कितना गोल्डन और सुनहरा सिक्का तैयार हुआ है। बस इसी तरह से अब हम ढककर लो फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाने के बाद हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे चटनी के साथ। आप चाहें तो इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सब्जी के साथ भी इसे खाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, खाने में बहुत टेस्टी भी है। इसी तरह से हम बाकी के सारे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं अभी आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। बस इस तरह से 2 लैडल भर के हमें बैटर डालना है और बिल्कुल इसको छूना नहीं है और इसे ढक्कन को ढक देना है। ये अपने आप ही इसके फ्राइंग पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ऊपर से जब सीख जाए तो हल्का सा ऑयल का हाथ लगाना है, पलट देना है। इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और गरम गरम सबको सर्व करेंगे। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोस्टीज़ बनकर तैयार हुई है और घर में ये सबको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि टेस्टी भी है और अच्छी भी है, हेल्दी आपको पता है कि कितनी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। प्लीज़